पर्स में नहीं रखे ये चीजें, नहीं तो आपकी धन परेशानी बढ़ेगी। आपकी जेब में पर्स तो हमेशा रहता ही होगा और आप चाहते भी होंगे कि आपका पर्स हमेशा रुपयों से भरा रहे, लेकिन आपके पर्स में रुपए ठहरे इसके लिए आपके पर्स से भी जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में रुपयों का ठहरना तभी संभव होता है जब आपके ऊपर धन की देवी लक्ष्मी की कृपा होती है, इसलिए पर्स रखे तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहली बात, आपका पर्स कभी भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटे हुए पर्स आर्थिक नुकसान करने वाला माना जाता है, इसलिए पर्स फट जाए तो उसे तुरंत बदल लेना चाहिए। दूसरा, पर्स का संबंध धन से है ना कि कागजातों से, इसलिए अपने पर्स में धन रखे। बहुत से लोग अपने पर्स में पुराने रसीद बिल भी पर्स में रखे रहते हैं, इससे पर्स में धन का ठहराव कम हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुराणों में पुराने कागजात और रसीद पर राहु का प्रभाव होता है, इसलिए इन्हें पर्स में जमा करके नहीं रखें। तीसरी बात, खाने पीने की चीज़ें जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, पान मसाला अपने पर्स में नहीं रखें, क्योंकि इससे भी आपके धन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपका धन नहीं ठहरता। पर्स में दवाइयाँ जैसे टैबलेट, कैप्सूल रखना भी धन के लिए शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बुरी नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है जिससे धन नहीं ठहरता है। पांचवी और आखिरी बात, पर्स में लोहे का सामान जैसे कील, चाकू या ब्लेड ना रखें। इसके बदले में आप चांदी, सोने या तांबे से बनी वस्तु रखें तो धन की प्राप्ति या लाभ होता है। तो दोस्तों, ये भी वो चीज़ें पर्स में रखने से धन की हानि होती है। आप इन वस्तुओं को अपने पर्स से हटाकर धन की आवक को बढ़ा सकते हैं या धन को इकट्ठा कर सकते हैं।